नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं पर वो पूरी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, चाहे वो आपके प्यार से संबंधित हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपकी सफलता से रिलेटेड हो, आपको एग्जाम दे रहे हैं पास नहीं हो रहे हैं, आपकी शादी से रिलेटेड है, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड है, मतलब जीवन की कोई सी भी अगर इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको एक टोटका बताऊंगी जिसको करने के बाद में अगर आप कोई प्रयास करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे, हर आपके काम सफल होते जाएंगे। तो क्या है वो टोटका जिसको करके आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मैं आप लोगों के साथ में आए दिन शेयर करती रहती हूँ। और ऑलरेडी मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, जिन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो आज का उपाय है इसमें मैं आपको जो टोटका बता रही हूँ, ये टोटका आपको करना है शनिवार के दिन, ठीक है? शनिवार के दिन ही इस उपाय को आपको करना है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, पीपल का जो पत्ता होता है, ठीक है, पीपल एक बहुत ही चमत्कारी वृक्ष माना गया है। आज के समय पर भी, कलयुग में भी, जहां पर चमत्कार नहीं होते, जहां पर आविष्कार नहीं होते, तो कहा जाता है कि ये जो पीपल का पेड़ है इसके पत्ते से कई ना होने वाली चीज भी, इम्पॉसिबल थिंग्स भी पॉसिबल हो जाती है पीपल के पत्ते से। तो हमें पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करना है शनिवार के दिन, ठीक है? शनिवार के दिन हमको इस उपाय को सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है? कभी भी करें आप, एक ही बार करना है। शनिवार के दिन आपको इस उपाय को करना है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, उस पे आपको को सिंदूर लगाना है। सिंदूर कैसे लगाएंगे, सिंदूर को पहले आप घोल लें, ठीक है? किसी भी ऑयल में आप घोल सकते हैं, चमेली के तेल में, सरसों के तेल में, तिल के तेल में, और या फिर आप जो भी तेल यूज करते हैं उस तेल में इस सिंदूर को आप घोल लें। सिंदूर को घोलने के बाद में पीपल के पत्ते के एक तरफ, जो सीधा वाली साइड होती है, जहां पर चिकना वाला भाग होता है, वहां पर आप इसे लगा दें, ठीक है? सिंदूर को आप पीपल के पत्ते के ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो पीपल का पत्ता है इसे लेकर जाना है अपने घर के पास में, आपके जो भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर इस पीपल के पत्ते को आप लेकर जाएंगे। पीपल का पत्ता आप साथ में लेकर जाएं और वहां पर हनुमान मंदिर में बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप पूरे दिल से करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरा महसूस करते हुए करेंगे, पूरी श्रद्धा रखें, आस्था के साथ, विश्वास के साथ में आप इसे कीजिए, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद में ये जो पीपल का पत्ता है ये बालाजी महाराज के, हनुमान जी के चरणों में आपको अर्पित करना है, ठीक है? हनुमान जी के चरणों में जब आप इस पीपल के पत्ते को अर्पित करेंगे तब आपको अपनी मनोकामना कहनी है, तब आपको अपनी इच्छा कहनी है, जो भी आपकी इच्छा है भगवान के सामने कहें, और फिर उस इच्छा को पूरी होने में जो समस्या आ रही है वो भी आप बताएं कि हे भगवान, मेरी ये इच्छा है, इसे मैं पूरा करना चाहता हूं, पर इसे पूरा करने में ये दिक्कतें आ रही है, तो आप इन दिक्कतों को दूर करने में मेरी मदद कीजिए, और बस ऐसा कह के वहां पर हाथ जोड़कर शीश नमाकर और चले आए। बस एक ही बार इस उपाय को करना है। करने के बाद में आप खुद देखेंगे 21 ही दिनों में चमत्कार होगा, सिर्फ 21 ही दिनों में आपको चमत्कार दिखेगा। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आप संकल्प लेकर मंदिर में गए थे, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि पीपल के पत्ते के थ्रू हमने सिंदूर अर्पित किया, सिंदूर हनुमान जी को बहुत पसंद होता है, तो सिंदूर जब हमने हनुमान जी को अर्पित किया है पीपल के पत्ते के द्वारा, तब वो हमसे जल्द से जल्द प्रसन्न होकर हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। आप जरूर कीजिए इस उपाय को, फिर जब आपको चमत्कार दिखेगा आप खुद मुझे रिप्लाई करके जरूर बताएंगे, कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको जब भी रिजल्ट मिले। और हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फेक कॉमेंट्स भी आते हैं, सभी का रिप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मैं वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।